हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। चलिए तो एक और नई ड्रामे की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, दोस्तों साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सी को, जो कि चोरी छुपे मिस्टर लू के घर में घुस जाती है। अब वो यहाँ पे उनके ऑफिस में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो जाके साइड में छिप जाती है। मिस्टर लू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में आते हैं और उसके बाद एक ड्रॉर को ओपन करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई है और उन्हें हल्की सी शैडो नज़र भी आ जाती है यहाँ पर सी की। इसलिए वो ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि उस रूम में कोई है और वो जाके लाइट्स ऑफ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कॉर्नर से बाहर निकलती है सी और यहाँ पे वो उस चीज़ को उठाने की कोशिश करती है, तो मिस्टर लू आकर उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो और इसे क्यों चुरा रही हो, इसे मुझे वापस करो। तो सी कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम इसे खुद मुझसे ले लो। तो यहाँ पर मिस्टर लू उससे थोड़े फाइट करते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि सी ने उन्हें चेयर से टाई अप कर दिया होता है। मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे खोलो और तुम कौन हो। सी कहती है, आई एम सॉरी, इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं आपसे दोबारा जरूर मिलूंगी। और ऐसा कर वो वहां से चली जाती है। उसके पूरे 1.5 साल बाद हमें दिखाया जाता है सी को, जिसका गेटअप भी पूरी तरीके से चेंज रहता है। यहाँ पे वो किसी से कॉल पे बात करती है। वो पर्सन बताने लगता है सी को कि मिस्टर लू 1 साल से अपने बिस्तर पे ही पड़े हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। आई थिंक आपको लू हाउस में वापस आना चाहिए और देखना चाहिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सोचने लगती है फिर सी भी, आई थिंक मिस्टर लू को भी उनके ग्रैंडफादर की तरह कोई शायद पॉइजन दे रहा है, तो अब मुझे उस घर में वापस जाना ही होगा। जिस घर में वो रह रही होती है वो उनकी बातें सुनने लगती है, जहाँ पे हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ पे उस फैमिली का हेड कह रहा होता है अपनी बेटी से कि तुम्हें मिस्टर लू से मैरिज करनी होगी, बट वो लड़की यहाँ पे मैरिज करने से मना करती है। कहती है कि वो तो बीमार है और 40 ईयर्स के हैं, मैं ऐसे ओल्ड पर्सन से मैरिज नहीं करूँगी। लेकिन उसके डैड उसे फोर्स कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस में पैसों की नीड होती है। तभी यहाँ पर देख लेती है वो लड़की सी को और उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपनी जगह मिस्टर लू से सी की मैरिज करा दे। तो वो ये बात यहाँ पर अपनी मॉम डैड से कहने लगती है, तो यहाँ पर उसकी मॉम एग्री हो जाती है और जाके सी से बात करती है। कहती है कि तुम तो जानती ही हो ना कि तुम्हारी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में है, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें पैसे चाहिए, तो तुम्हें मिस्टर लू से मैरिज करनी होगी। सी को तो पहले से ही मिस्टर लू के घर में जाना होता है, तो उसे एक अच्छा आइडिया मिल जाता है उनके घर में एंट्री लेने का, इसलिए वो तुरंत इस मैरिज के लिए हाँ कह देती है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर लू के घर पहुँच जाती है सी, तो यहाँ पर मिस्टर लू की फैमिली उसे काफ़ी ध्यान से देखने लगती है। यहाँ पर सर्वेंट सोचने लगता है कि बेशक ये ब्राइड है पर बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, काफ़ी अगली नज़र आती है। यहाँ पर वो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं मिस्टर लू के कमरे में ही सी को अकेला। तो यहाँ पे सी फिर चेक करने लगती है मिस्टर लू को कि सच में ये बेहोश है या फिर ड्रामा कर रहे हैं। वो यहाँ पे उनकी बॉडी वगैरह को चेक करती है और उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि सच में ही मिस्टर लू को पॉइजन दिया जा रहा है, कोई चाहता है कि ये कभी होश में ना आए। तो वो यहाँ पे इस बारे में रिसर्च करने लग जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर लू के पास ही बैठी रहती है सी और उन्हें देखकर कहने लगती है कि मैं आपको ठीक कर सकती हूँ, बट हाँ ठीक होने के बाद मेरे बारे में भूल मत जाना। और वो यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर लू का लिटिल ब्रदर आ जाता है, वो भी सर्वेंट के साथ। अब वो यहाँ पर बातें करने लगता है सी से, कहता है कि शायद आप मेरे ब्रदर की वाइफ है, बट आप इतनी खूबसूरत तो है नहीं जितने कि मेरे ब्रदर खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है सी, और वो तो यहाँ पर चेक कर रही होती है मिस्टर लू को और उनकी हेल्थ चेक करने के बाद वो समझ जाती है कि थोड़ी देर में इन्हें होश आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लू का लिटिल ब्रदर होता है वो ये देखकर सी पे गुस्सा करने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे ब्रदर के साथ क्या कर रही हो, क्या उनकी जान लेना चाहती हो। यहाँ पे वो चिल्लाने लगता है, जिससे कि वहाँ पर उसकी फैमिली और साथ में डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर यहाँ पर जब मिस्टर लू को चेक करते हैं तो कहते हैं कि उनकी डेथ हो गई है। ये बात सुन के यहाँ पर मिस्टर लू का लिटिल ब्रदर ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है, अपने फादर से कहता है कि ये सब कुछ इस लड़की ने किया है, इसने हमारे ब्रदर को मार दिया है, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर लू के फादर भी चिल्लाने लगते हैं सी पर कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। सी कहती है कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस 10 सेकंड में इन्हें होश आ जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर लू का लिटिल ब्रदर कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम कह रही हो कि एक मरा हुआ इंसान 10 सेकंड में जिंदा हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है। सी उससे कहती है कि क्या तुम्हें डर है कि ये जिंदा हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, क्या तुम इनके जिंदा होने से खुश नहीं होगे। तो यहाँ पे जो मिस्टर लू का लिटिल ब्रदर होता है उसका मुंह सा बन जाता है।
अब वो यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है सी पर कि ये बकवास बातें कर रही है, इससे तो हमारे ब्रदर की जान ले ली है, मैं इसे और इसकी पूरी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे काउंटिंग करना स्टार्ट कर देती है सी, और हम देखते हैं कि मिस्टर लू को सच में ही होश आ जाता है, जिससे कि यहाँ पे उसके फादर और सर्वेंट तो खुश होता है लेकिन मिस्टर लू का लिटिल ब्रदर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आता है। यहाँ पे मिस्टर लू होश में आने के बाद अपनी फैमिली से कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मैं अभी कुछ समय रेस्ट करना चाहता हूँ। तो वहाँ से उसकी फैमिली जाने लगती है, साथ में सी भी। तो मिस्टर लू उसे रोकते हैं, तभी यहाँ पे मिस्टर लू से उसके फादर कहते हैं एक्चुअली ये तुम्हारी वाइफ है। तो यहाँ पे कहता है मिस्टर लू मुझे पता है इस बारे में। तो यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली चले जाती है रूम से बाहर। मिस्टर लू सी से कहने लगते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ। वो उठ के चलने लगते हैं लेकिन तभी गिर जाते हैं। तो यहाँ पे उन्हें संभालने लगती है सी, कहती है कि आपकी हेल्थ अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। मिस्टर लू उससे कहते हैं कि आखिरकार तुमने मुझे ठीक कैसे किया है, क्या तुम कोई डॉक्टर हो? सी कहती है कि आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मैंने कुछ टाइम एक डॉक्टर के साथ वर्क किया था तो वहीं से ये सब कुछ सीखा है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुमने मेरी जान तो बचा दी है बट इसके बदले में तुम चाहती क्या हो, वैसे तुम किस इरादे से मेरे घर में आई हो? यहाँ पे सी सोचने लगती है कि इन्हें सच तो बता नहीं सकती हूँ, इसलिए वो कहती है कि एक्चुअली मेरी ग्रैंड मदर बीमार है, आपसे मैरिज करने के बाद आप मेरी ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट करा सकते हैं इसलिए मैंने आपसे मैरिज की थी। मिस्टर लू कहते हैं कि क्या बस तुम्हें मुझसे यही चाहिए? सी यहाँ पे उनका ध्यान भटकाने के लिए थोड़ा यहाँ पे उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहते हैं कि अगर मैं आपके साथ बेबी कर लूँ तो शायद मैं पूरी लाइफ टाइम अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाऊंगी। तो यहाँ पे मिस्टर लू एकदम से उसे अपने करीब कर लेते हैं लेकिन सी उन्हें रोकती है और कहते हैं कि अभी ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हेल्थ अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर लू उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि शायद मैं इससे पहले भी मिला हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे उन्हें फिर से कहने लगती है सी आपको रेस्ट करना चाहिए और डोर बंद कर देती है। यहाँ पे सी सोचती है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसे फूल बनाना ईजी नहीं होगा, बट ये तो कन्फर्म हो गया है कि इसे पॉइजन दिया गया था और मुझे लगता है कि इसका लिटिल ब्रदर ही ये सब कुछ कर रहा है। तो वो किसी को कॉल करके कहती है मिस्टर लू के लिटिल ब्रदर मिंग पे नज़र रखने के लिए। वो पर्सन कहता है ठीक है बॉस मैं ऐसा ही करूँगा। उसके दो दिन बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू अपनी व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं और उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि आपको पॉइजन दिया गया था, इस बारे में हम पता लगा रहे हैं कि ये किसका काम हो सकता है। और हाँ बॉस, आपकी जो पहले गर्लफ्रेंड थी जब आप बीमार हो गए थे तो वो आपको छोड़ के चली गई थी, बट जैसे ही उन्हें आपके ठीक होने के बारे में पता चला है तो वो वापस आ रही है आपसे मिलने के लिए। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करती है, बस आपकी पोजीशन चाहती है, मिसेस लू वाली। ये सुन के यहाँ पे कहने लगता है मिस्टर लू, बट अब उसे वो पोजीशन नहीं मिल सकती है क्योंकि मेरी वाइफ है और वो पोजीशन उसकी है। तो यहाँ पे असिस्टेंट कहता है बेशक आपकी वाइफ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो बट वो काफ़ी अगली दिखती है। तो मिस्टर लू उसे चुप करा देते हैं। यहाँ पे सोच रही होती है सी कि आज रात वो मिस्टर लू के साथ कैसे सोएगी। तो वो यहाँ पे उन्हें इंजेक्शन लगा के बेहोश करने के बारे में सोचने लगती है और ऐसा करने की कोशिश भी करती है, लेकिन मिस्टर लू तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ तो तुम अब मेरा ट्रीटमेंट मत करो। सी बहाना बनाने लगती है कि बस मैं तो चेक कर रही थी कि आपकी हेल्थ रिकवर हुई है या फिर नहीं। तो एकदम से मिस्टर लू खड़े हो जाते हैं अपने पैरों पर। ये देखकर सी हैरान होती है और कहती है वाकई में आप तो ठीक हो गए हैं। मिस्टर लू यहाँ पे उसके करीब आने लगते हैं तो सी उन्हें ऐसा करने से मना करती है और कहते हैं कि हम लोग स्ट्रेंजर है तो हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन मिस्टर लू कहते हैं कि तुम भूल रही हो कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो डिस्टेंस रखने की क्या जरूरत है, और ऐसा कहकर वो उसके हाथों को पीछे की तरफ पकड़ लेते हैं। सी सोचने लगती है कि इतने सालों तक ये बेड पर रेस्ट कर रहा था बट फिर भी इसकी बॉडी में काफ़ी पावर है। मिस्टर लू यहाँ पे उसके करीब आके कहते हैं कि तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, और वो यहाँ पे उसके स्पेक्स हटाने की कोशिश करते हैं बट सी हटाने नहीं देती है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे देखने दो कि तुम कैसी हो। सी यहाँ पे उसे दूर कर रही होती है और उसका नाम चिल्लाने लगती है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि तुम चाहो तो मुझे हस्बैंड कह के भी पुकार सकती हो, और यहाँ पे वो उसके चिक पे किस कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सी सोच रही होती है मिस्टर लू के बारे में ही। सी यहाँ पे कहने लगती है कि मुझे मिस्टर लू से बच के रहना होगा क्योंकि पहले वो मुझे देख चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे पहचान ले। तभी हम देखते हैं कि सी और मिस्टर लू के पास एक ही टाइम पे कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है जिस पर्सन ने मिस्टर लू को पॉइजन दिया था वो एक बार में है। तो दोनों ही उस बार की तरफ जाने लगते हैं। सी को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपना गेटअप चेंज कर लेती है और उस बार के रूम में जाने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पर्सन वहाँ से भाग चुका है। तो वो तुरंत उस पर्सन को फॉलो करने के लिए बार से बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी मिस्टर लू से टकरा जाती है। तो मिस्टर लू उसे काफ़ी ध्यान से देखते हैं और रोक लेते हैं और कहते हैं क्या मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ, मुझे आपको जानी पहचानी लग रही है। सी कहती है कि आप ये पुरानी लाइन मार रहे हैं लड़की को पढ़ाने के लिए, और वो कहते हैं कि मेरा हाथ छोड़िए मैं जल्दी में हूँ और वहाँ से चली
चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है उनका असिस्टेंट और कहने लगता है, बॉस क्या हम लोगों को कंपनी चलना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन तो यहाँ पे नहीं है जिससे आप मिलने आए थे। सी तो वहाँ से भाग के चली जाती है, बट मिस्टर लू को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरे घर में उस समय चोरी की थी और इसका फेस बिल्कुल मेरी वाइफ जैसा लग रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर लू का असिस्टेंट आता है और उन्हें ऑफिस चलने के लिए कहता है, बट मिस्टर लू कहते हैं कि फिलहाल मुझे घर जाना है अभी के अभी, क्योंकि वो अपनी वाइफ को चेक करना चाह रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर लू घर पहुँच जाते हैं और अपनी वाइफ को रूम में ना पाते हैं तो सोचते हैं कि शायद मेरी वाइफ ही वो चोर है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है सी अपना गेटअप चेंज करके और कहती है कि मैं तो सिर्फ सावल लेने के लिए गई थी, अब क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर लू यहाँ पे उसके साथ थोड़ा रोमांस करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम कुछ समय पहले बार में गई थी। सी समझ जाती है कि वो उस पर डाउट कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पे उन पर हावी होने लगती है और उनके साथ रोमांटिक बातें करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर मिस्टर लू अपने असिस्टेंट से कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या हो क्या है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपकी गर्लफ्रेंड आ चुकी है आपसे मिलने के लिए। इसलिए मिस्टर लू कहते हैं सी से कि बस मैं अभी आता हूँ, और वो नीचे चले जाते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है रोज़ को, जो कि उनकी बचपन की स्वीट हार्ट होती है, और वो यहाँ पे उन्हें चिपकना स्टार्ट कर देती है। मिस्टर लू कहते हैं कि जब मैं बीमार था तो शायद तुम एब्रॉड चली गई थी। वो कहने लगती है, ऑफ कोर्स मैं आपके लिए वहाँ पे एक बेस्ट डॉक्टर ढूंढने गए थे, पर जैसे ही मुझे पता चला कि आप ठीक हो गए हैं तो मैं तुरंत वापस आ गई हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर लू के फादर आ जाते हैं और उसे साइड में लेके जाते हैं और कहने लगते हैं कि आई थिंक अब तुम्हें रोज से मैरिज कर लेनी चाहिए, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन कहने लगता है लू, डैड आप भूल रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। पर मिस्टर लू के फादर कहते हैं कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, रोज़ ही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। यहाँ पे जो रोज़ होती है वो देख लेती है सी को और सोचने लगती है, ओह तो ब्रदर ने इस चीप सी लड़की से मैरिज की है, और वो यहाँ पे उससे बात करना शुरू करती है। और यहाँ पे वो सी को अगली कहती है कि तुम जैसी लड़की कभी भी मेरे ब्रदर लू के साथ नहीं रह पाएगी, तो अच्छा है कि तुम उसे डिवोर्स देके चली जाओ। यहाँ पे उसे कहने लगती है सी, ओह तो तुम हो मेरे हस्बैंड की वो स्वीट हार्ट जिससे कि वो बचपन में प्यार करते थे। कहने लगती है रोज़, ऑफ कोर्स वो अभी भी मुझसे ही प्यार करते हैं, तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सी यहाँ पे उसे कहने लगती है, बट मैंने तो अफवाहें सुनी है कि जब वो बीमार हो गए थे तो तुम उन्हें छोड़ के एब्रॉड चली गई थी, और अब कह रही हो कि तुम उनसे प्यार करती हो। ये बात सुन के यहाँ पे बुरा लगता है रोज़ को। तो रोज़ कहने लगती है कि मैं उनके लिए बहुत अच्छा डॉक्टर ढूंढने गई थी, तुम्हें इससे क्या लेना देना। कहती है उसे सी, पर तुम्हारे साथ तो कोई डॉक्टर नहीं आया है। यहाँ पे ये बात सुन के उस पे हाथ उठा देती है गुस्से में रोज़ और कहती है कि तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो, मैं तुम्हें अभी घर से बाहर निकलवा दूंगी। यहाँ पे कम नहीं होती है सी भी, तो वो भी उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है जिससे कि रोज़ नीचे गिर जाती है। रोज़ कहते कि मैं इस बारे में मिस्टर लू को बताऊंगी तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे और घर से भी निकाल देंगे। कहती है सी, अच्छा ऐसी बात है तो चलो अजमा के देख लो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है मिस्टर लू, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है रोज़ पे, लेकिन सी से पूछने लगता है कि तुम्हारे फेस पे ये क्या हुआ है। तो यहाँ पे कहने लगती है रोज़, प्लीज़ मिस्टर लू आप मुझे उठाइए ना, देखिए इसने मुझे धक्का दे दिया है जिससे कि मैं नीचे गिर गई हूँ। यहाँ पे फिर भी उसकी तरफ नहीं देखता है मिस्टर लू। अब वो यहाँ पे सी को चेक करने लगता है और पूछता है कि ये क्या हुआ है। तो सी कहती है कि एक्चुअली आपके ये जो गर्लफ्रेंड है ना, इसने मेरी बहुत इंसल्ट की है, ये मुझे अगली कह रही थी और मुझे फोर्स कर रही है कि मैं आपको डिवोर्स दे दूँ, और साथ में इसने मुझ पर हाथ भी उठाया है। तो यहाँ पे ये बात सुन के मिस्टर लू पूछने लगते हैं रोज़ से, क्या तुमने ये सब कुछ किया है। रोज़ कहती है, हाँ मैंने ये सब कुछ किया है, बट इसने भी मुझे धक्का दे दिया है। तो यहाँ पे मिस्टर लू रोज़ की बात नहीं सुनते हैं, वो तो उसे उल्टा डांटने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। ये बात सुन के यहाँ पे रोज़ को बहुत बुरा लगने लगता है कि मिस्टर लू उसकी चिंता कर रहे हैं ना कि मेरी। मिस्टर लू यहाँ पे कहते हैं सी से, चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ, और वो उसे अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। ये सब कुछ देख के रोज़ को बहुत गुस्सा आने लगता है सी के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं रूम में जहाँ पे मिस्टर लू मेडिसिन लगाने की बात कहते हैं सी से, और वो यहाँ पे उसे टच करने वाले होते हैं, लेकिन सी रोक देती है और कहती है कि ये सब कुछ मैं खुद कर लूँगी। बट वो जब कॉर्नर साइड में जाती है मेडिसिन लगाने के लिए तो उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। वो सोचती है कि मिस्टर लू के करीब आने के कारण मेरा दिल इतने ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है। तभी हम देखते हैं मिस्टर लू को, जो कि एक मीडिया रिपोर्टर के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि एक अनाउंसमेंट कर दो कि मुझे होश आ गया है और जल्दी मैं अपनी वाइफ से मैरिज करने वाला हूँ। ये सारी न्यूज़ देख रही होती है सी की मॉम
और उसकी स्टेप सिस्टर। ये सारी न्यूज़ देख के यहाँ पे कहने लगती है सी की स्टेप सिस्टर, मॉम ये सब कुछ क्या हो रहा है, वो तो एक अगली सी लड़की है, वो मिस्टर लू की वाइफ कैसे बन सकती है, ये सब कुछ तो मेरी किस्मत में होना चाहिए था ना। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है वो तो ठीक है बेटा, पर अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इन कहती है कि हमें जाके मिस्टर लू की फैमिली को सब कुछ सच बताना होगा, इससे वो लोग घर से बाहर निकाल देंगे सी को, और उसके बाद मैं मैरिज कर सकती हूँ मिस्टर लू से। यहाँ पे ये आइडिया ठीक लगता है इनकी मॉम को भी। सो वो लोग पहुँच जाते हैं मिलने के लिए सी से उसके घर पे। सी कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसकी मॉम और साथ में सिस्टर अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, कहते कि हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए हम लोग तुमसे मिलने के लिए आ गए। लेकिन सी समझ जाती है कि वो लोग यहाँ पे अपने किसी फायदे के लिए ही आए होंगे। सी कहते हैं कि मैं ठीक हूँ तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें मिस कर रहे थे इसलिए कुछ समय तुम्हारे साथ यहाँ पे रहना चाहते हैं। लेकिन सी यहाँ पे उन्हें मना कर रही होती है, तभी वहाँ पे मिस्टर लू भी आ जाता है और कहता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मिस्टर लू को देख कर इनके तो मुँह में पानी ही आ जाता है और वो कहने लगती है ओ माई गॉड ये कितने हैंडसम है, इन्हें तो मेरा ही हस्बैंड बनना चाहिए। इसलिए वो यहाँ पे अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है और कहते कि मिस्टर लू मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे उसकी मामू से रोकती है और कहती कि ऐसी बातें मत करो। लेकिन इन कहते कि मुझे इन्हें सच्चाई बतानी ही होगी कि आपकी मैरिज मुझसे होने वाली थी बट मेरी बहन ने मुझे धोखा देकर आपसे मैरिज कर ली है। यहाँ पे वो ड्रामा क्रिएट करने लगती है और शोर शराबा भी, जिस वजह से मिस्टर लू के फादर भी आ जाते हैं और कहते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, जो भी बात करनी है बैठ के करो। तो यहाँ पे जो होती है इन और उसकी मॉम सारी सच्चाई बताने लगते हैं मिस्टर लू और उसकी पूरी फैमिली को ही, कहते कि एक्चुअली ये हमारी वो बेटी नहीं है जिसकी मैरिज आपके बेटे के साथ होनी चाहिए थी, हम तो आपको सच बताने आए हैं। ये बात सुन के मिस्टर लू के फादर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ क्या ड्रामा लगा रखा है आपने। यहाँ पे इनकी मॉम कहती है कि इसने धोखा दिया है आप सभी को, ये अनलकी है, अगर ये आपके बेटे के साथ रहेगी तो आपके बेटे के साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मिस्टर लू कहते हैं कि आप लोग ये सब कुछ कहने पहले क्यों नहीं आए थे, अब क्यों आए हैं। उसकी मॉम कहती है कि हमें तो मौका ही नहीं मिला कुछ भी बताने का। तो यहाँ पे सी उन पे चिल्लाती है और कहती है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम और इन तो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करने लगते हैं। इनकी मॉम तो रोना धोना स्टार्ट कर देती है कि कैसे इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे, मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है। तो यहाँ पे इनको गुस्सा आता है तो वो उसी पे हाथ उठाने की कोशिश करती है, यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेती है तो इन चिल्लाने लगती है कि देखो ये मुझे मार रही है। यहाँ पे सी उसका हाथ छोड़ती है और कहती है ओ तो अब तुम झूठ बोल रही हो कि मैं तुम्हें मार रही हूँ, लेकिन चलो मैं इस झूठ को सच बना देती हूँ। और यहाँ पे सी इनको एक जोरदार चाटा मार देती है, जिसके बाद तो यहाँ पे और भी ज्यादा ड्रामा करने लगती है इन और उसकी मॉम। ये सब कुछ देखने के बाद मिस्टर लू के फादर को बहुत गुस्सा आता है तो वो यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं उन सभी पर और कहते हैं कि आप लोग अपनी इस बेटी को भी लेके जा सकते हैं, हम इस मैरिज को कैंसिल करते हैं। लेकिन मिस्टर लू यहाँ पे मना करने लगता है अपने फादर से इस चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे मिस्टर लू के फादर उसे फोर्स करते हैं कि जाने दो इस लड़की को, ये हमारे घर के लायक नहीं है क्योंकि इसने झूठ बोला है। यहाँ पे ये सब कुछ देख कर मिंग सोचने लगता है कि अगर ब्रदर फादर की बात नहीं मानेंगे तो उनकी क्या पोजीशन होगी फिर इस घर में, ये तो देखना ही बनता है। तभी यहाँ पे मिस्टर लू के फादर गुस्से में गार्ड्स को कहते हैं कि इन्हें उठा के बाहर फेंक दो। तो यहाँ पे गार्ड एकदम से अटैक करने वाला होता है सी पर, लेकिन उसे बचा लेता है यहाँ पर मिस्टर लू और उसके हाथ में थोड़ी चोट भी लग जाती है। ये सब कुछ देख कर मिस्टर लू को और गुस्सा आने लगता है तो वो अपने गार्ड्स को रोकते हैं और कहते हैं ऐसा करो इस फैमिली को उठा के फेंक दो। यहाँ पे मिस्टर लू के फादर कहते हैं कि साथ में सी को भी घर से बाहर निकाल दो। सी कहते हैं कि मैं खुद ही चली जाऊँगी, लेकिन यहाँ पे मिस्टर लू रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये कहीं नहीं जाएगी। मिस्टर लू के फादर कहते हैं कि इसे जाने दो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। लेकिन मिस्टर लू कह देता है डैड प्लीज अभी आप इस बारे में बात मत कीजिए, मुझे चोट लगी है तो मुझे सी की जरूरत है। और वो सी को अपने साथ रूम में लेके चला जाता है। यहाँ पे इस वजह से मिस्टर लू के फादर को मिस्टर लू पर ही बहुत गुस्सा आने लगता है कि वो उनकी बात नहीं सुन रहा है। उसके बाद देखते हैं कि सी मिस्टर लू के लिए एक मेडिसिन लेकर आती है तो मिस्टर लू कहने लगते हैं कि मेरे हाथों में दर्द है प्लीज़ तुम ही पिला दो ना। तो सी यहाँ पे उन्हें अपने हाथों से मेडिसिन पिलाने लगती है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें ऐसे ट्रीट क्यों कर रही थी। यहाँ पे सी बताती है कि एक्चुअली मैं उनकी अडॉप्टेड डॉटर हूँ इसलिए वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं और मुझे तो आदत है उनके इस बिहेव की। पर यहाँ पे मिस्टर लू बहुत प्यार से उससे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर मिस्टर लू की ये बात सुन के सी थोड़ा शर्माने लगती है। उसके बाद हम इनको देखते हैं जो कि कॉल पर किसी से बात करती है और कहते हैं कि आप लोगों को मेरा एक काम करना होगा, इसके बदले मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी। यहाँ पे उसने कुछ गुंडों को भेजा होता है सी और लू को पीटने के लिए। तो यहाँ पे वो गुंडे उनकी कार के सामने आके खड़े हो जाते हैं। ये देख कर लू कहने लगता है सी से कि तुम कार के अंदर ही रहना, बाहर मत आना, इन सभी को मैं हैंडल कर लूँगा। और वो जाकर उनसे फाइट करने लगता है। लेकिन वो गुंडे यहाँ पे कई सारे होते हैं तो वो यहाँ पे
काफ़ी पीट देते हैं लू को ही। ये देखकर सी सोचती है कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, बट अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो शायद उन्हें अजीब लगेगा। मुझे फटाफट से अपना गेटअप चेंज करना होगा। वो यहाँ पे अपना गेटअप चेंज करके आ जाती है और उन गुंडों को बहुत मारती है। यहाँ पर जो मिस्टर लू होते हैं वो थोड़ी बेहोशी की कंडीशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत मार पड़ी होती है, तो वो उन्हें साइड में कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पे उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहने लगता है, मैंने यहाँ के सभी कैमराज की रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए पोज कर दिया है तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे इन लोगों की पिटाई किसने की है। सी कहती है ये तो अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मिस्टर लू कार में होते हैं और उन्हें होश आ जाता है, तो वो सी से पूछने लगते हैं कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। यहाँ पर सी कहने लगती है कि एक लड़की आई थी जिसने आपकी मदद की है। ये सुन के मिस्टर लू को कुछ याद आता है और वो कहने लगते हैं कि वो तो वही लड़की थी जिससे कि मैं लास्ट टाइम मिला था। तो यहाँ पर मिस्टर लू को डाउट होने लगता है कि कहीं सी ही तो वही लड़की नहीं है। वो कहते हैं कि क्या सच में तुमने उसे नहीं देखा है अच्छे से। सी कहती है कि वो जा चुकी थी जब तक मैं वहाँ पहुँची थी। यहाँ पर कहने लगता है फिर मिस्टर लू ठीक है। वो घर जाने के बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उस एरिया के CCTV फुटेज के बारे में पता करता है। तो यहाँ पर असिस्टेंट बताता है, बॉस आपकी वाइफ तो पूरे टाइम कार में ही थी, तो शायद वो लड़की कोई और ही होगी। लेकिन यहाँ पे फिर भी मिस्टर लू को डाउट हो रहा होता है, इसलिए वो यहाँ पे कुछ कपड़े लेके आते हैं और सी को कहते हैं इन्हें मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ तो प्लीज़ इन्हें तुम ट्राई करो। सी यहाँ पे उन कपड़ों को देखती है तो वो बिल्कुल उसके दूसरे गेटअप वाले जैसे कपड़े होते हैं। सी कहती है कि वैसे मैं ऐसे कपड़े पहनती नहीं हूँ, बट आप लाए हैं तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। वो यहाँ पे मिरर के सामने उन कपड़ों को लगा के देखने लगती है। तो यहाँ पे तभी मिस्टर लू उसके हाथ में चोट देख लेते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ है तुम्हारे हाथ में। सी कहती है एक्चुअली मैं ना वॉशरूम में स्लिप हो गई थी जिस वजह से मुझे चोट लग गई है। और वो कहते हैं कि मेरा ना किचन में सूप रखा है, मैं वो देख के आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन मिस्टर लू समझ जाते हैं कि वो लड़की और सी शायद एक ही लड़की है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को पीछे लगा देते हैं लड़की के। यहाँ पे मिस्टर लू के पास कॉल आता है कि वो लड़की एक होटल में है, तो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं मिस्टर लू और रोक लेते हैं उसे और कहने लगते हैं कि लास्ट टाइम तुमने मेरी मदद की थी तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि ये आपका थैंक्स कहने का कौन सा तरीका है, आपको मुझसे दूर हट जाना चाहिए। सो मिस्टर लू कहते हैं कि अगर मैं दूर हटूंगा तो तुम फिर से यहाँ से भाग जाओगी। यहाँ पे मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहते हैं कि आप मेरा नाम जान के क्या करेंगे, बस मैंने आपकी मदद की है, आपने मुझे थैंक्स बोल दिया है तो आपको मुझे जाने देना चाहिए। बट मिस्टर लू तो यहाँ पे उसे पकड़ के ही बैठ जाते हैं और कहते हैं कि वैसे मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। कहने लगती है उनसे वो, आप भूल रहे हैं कि आपकी एक वाइफ है तो आपको मेरे इस तरीके से क्लोज नहीं आना चाहिए, अगर आपकी वाइफ ने देख लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी वाइफ है, आई थिंक तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो तो मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पे वो उन्हें अपना नाम नहीं बताती है। तभी बीच में वहाँ पे आ जाता है असिस्टेंट जो कि कॉल देता है मिस्टर लू को और कहने लगता है कि आपकी वाइफ का कॉल है। यहाँ पे उन्हें आवाज़ सुनाई देती है सी की जो कह रही होती है कि मैं जल्दी आपसे मिलने के लिए होटल में आ रही हूँ। तो ये सुनकर कहने लगती है वो लड़की मिस्टर लू से, आपकी वाइफ आ रही है, अगर उन्होंने ऐसे देख लिया ना हम दोनों को तो वो गलत समझेगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे गलत समझे। और कहती है वो प्लीज़ आप दूर हट जाए। मिस्टर लू को लगता है कि जब ये लड़की मेरे सामने खड़ी है तो सी मुझे कॉल कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सच में ही दोनों डिफरेंट लड़की हैं और मैं इन्हें एक समझने की गलत फहमी कर रहा हूँ। यहाँ पे कहने लगता है मिस्टर लू, फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अब वो उसके हाथ में रिंग पकड़ाने लगता है, उसे कहता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। दूर खड़े होकर ये सब कुछ असिस्टेंट देख रहा होता है और कहता है मानना पड़ेगा बॉस तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक निकले, एक तो उनकी गर्लफ्रेंड है, एक वाइफ है और तीसरी लड़की ये, क्या बात है बॉस। तभी यहाँ पे कहने लगती है वो, नहीं मैं ये रिंग नहीं लेना चाहूँगी, अगर आपको ये देनी है तो आप अपनी वाइफ को दीजिए। अब वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू उसे देखते रहते हैं। हम देखते हैं कि वो वहाँ से जैसे ही गुजर के जाती है तो तभी उन्हें दिखाई देती है अपनी वाइफ सी उनकी तरफ आते हुए। यहाँ पे कहने लगती है मिस्टर लू से, क्या ये वही लड़की थी जिसने उस दिन हमारी मदद की थी। मिस्टर लू कहते हैं हाँ ये वही लड़की थी। यहाँ पे कहती है सी, मैं भी उन्हें थैंक्स कहना चाह रही थी तो आपको उन्हें रुकना चाहिए था। मिस्टर लू कहते हैं कि वो जल्दी में थी इसलिए चली गई, आई थिंक मैं दोबारा से तुम्हें उससे मिलवा ही दूंगा लाइफ में। यहाँ पे देखते हैं फिर सी को बैठे हुए, तो यहाँ पे असिस्टेंट कहने लगता है, मैडम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक्चुअली वो जो लड़की थी ना वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज थी बॉस के। यहाँ पे सी कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाता है, तो असिस्टेंट कहता है कुछ नहीं कहा है मैंने तो आपसे मैडम। अब वो वहाँ से पतली गली से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सी होती है वो मिस्टर लू के सामने थोड़ा जेलस बनने का ड्रामा करती है, कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप उस लड़की के कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे, आखिर क्या चल रहा था वो सब कुछ। तो यहाँ पे एकदम से कहने लगता है उससे मिस्टर लू, क्या तुम जेलस फील कर रही हो मुझे किसी और के करीब देखकर। सी कहती है कि मैं क्यों जेलस फील करने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन तभी उसके पॉकेट से रिंग गिर जाती है।
तो यहाँ पे अपने पैर के नीचे उस रिंग को छिपाने लग जाती है सी। लेकिन मिस्टर लू उस रिंग को उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये वही रिंग है जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे पॉकेट में डाली थी, अब ये तुम्हारे पास क्या कर रही है। सी यहाँ पे एकदम से उनका मुंह बंद करने के लिए उन्हें किस करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ पुल में गिरा लेते हैं और यहाँ पर फिर उसके सारे स्पेक्स वगैरह और मेकअप हट जाता है। तो यहाँ पर मिस्टर लू को समझ में आ जाता है कि ये और वो लड़की सेम ही है। मिस्टर लू यहाँ पर उसे किस करने लगते हैं और कहते हैं कि कब तक तुम अपनी सच्चाई मुझसे छिपाओगी। उसके बाद हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं जहाँ पे मिस्टर लू कहते हैं कि काफ़ी लंबा ड्रामा किया था तुमने, पर मैंने तुम्हें आखिरकार पहचान ही लिया। सी कहते हैं कि आपको जब पहले ही पता चल गया था मेरे बारे में तो फिर आप मेरे सामने ऐसा ड्रामा क्यों कर रहे थे कि आप मुझे नहीं जानते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं तो जानना चाह रहा था कि तुम मुझे अपने बारे में खुद बताओगी या फिर नहीं, लेकिन तुमने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ वही गेम खेलने लगा। यहाँ पे मिस्टर लू उसे वो रिंग पहना देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और अब मैं सभी के सामने अनाउंसमेंट कर दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू एक पार्टी रखते हैं जिसमें आती है रोज़, तो यहाँ पर वो एक पर्सन के साथ मिल के बुराइयाँ कर रही होती है मिस्टर लू की वाइफ के बारे में। काफ़ी देर हो जाती है उसे वो यहाँ पर बुराइयाँ करने में लगी ही रहती है तो वहाँ पर मिस्टर लू पहुँच जाता है और कहता है कि आई थिंक तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो मेरी वाइफ के बारे में, अभी तो तुमने उसे अच्छे से देखा भी नहीं है। कहने लगती है रोज़ उसे देखना ही क्या है। रोज़ यहाँ पे कहती है कि मैं उसे क्यों देखूँ, मैं जानती हूँ कि वो अगली है और आपके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, आपको मुझसे मैरिज करनी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री ले लेती है सी जो कि काफ़ी अच्छा तैयार होकर आती है जिस वजह से रोज़ उसे देखती ही रह जाती है। यहाँ पे सभी के सामने मिस्टर लू अनाउंसमेंट करते हैं कि ये मेरी वाइफ है। रोज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगती है ये सब कुछ देखकर और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है उन दोनों पर ही। मिस्टर लू और सी यहाँ पे दोनों साथ में डांस भी करते हैं तो ये सब कुछ देखकर इन और जो मिस्टर लू का ब्रदर मिंग होता है वो लोग भी थोड़ा बुरा ही फील कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक पर्सन आ जाता है जो कहने लगता है कि सच में मिस्टर लू की वाइफ काफ़ी अच्छी है, काश ये मुझे मिल जाए। तो वो दोनों कहने लगते हैं कि ये आज रात के लिए आपकी हो सकती है, इसलिए जो यहाँ पे इन होती है वो एक रूम में लेके जाती है सी को और कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सी कहने लगती है बताओ तुम्हें क्या बोलना है। कहने लगती है कि एक्चुअली आपकी ग्रैंड माँ है ना वो ठीक है बट उनका हॉस्पिटल चेंज कर दिया गया है। तभी यहाँ पे कुछ नशा सा होने लगता है सी को, अब वो कहती है कि क्या इस रूम में कुछ ऐसा है जिससे मेरी तबीयत खराब हो रही है। कहने लगती है ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत कुछ है जिससे आपकी तबीयत क्या आपकी पूरी लाइफ ही खराब हो जाएगी। यहाँ पे समझ जाती है सी कि वो उसके साथ कुछ गलत करना चाह रही है इसलिए वो भी यहाँ पे बेहोश होने का ड्रामा करती है। तभी वहाँ पर इन्हें एक पर्सन को लेके आ जाती है और कहती है आज रात आप मेरी सिस्टर के साथ मजे कर सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे होश में आ जाती है खुद सी और कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे साथ कुछ गलत कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा। उल्टा यहाँ उन दोनों को वो एक एक पिन मारती है जिससे कि वो दोनों ही पर्सन यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं और सी तो उस रूम से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उस पर्सन को होश आता है तो वो यहाँ पे उसकी सिस्टर के साथ ही मिसबिहेव करने लगता है। देखते हैं हम कि रूम के बाहर थोड़ी देर में आ जाती है रोज़ और वो भी अपने साथ लाती है मिस्टर लू और उसकी पूरी फैमिली को ही और कहती है कि मैंने कहा था ना कि वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है लू के लिए, देखिए वो एक रूम में अननोन पर्सन के साथ है। और वो जैसे ही उन्हें रूम में लेके आती है तो वो खुद हैरान रह जाती है कि इस रूम में तो सी नहीं है बल्कि उसकी सिस्टर है। तो यहाँ पे उसके फादर कहते हैं लू के कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम तो कह रही थी कि इस रूम में सी होगी। तभी वहाँ पे सी आ जाती है और कहने लगती है कि मैं इस रूम में क्यों रहने लगी, क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। रोज़ उस पर चिल्लाती है लेकिन यहाँ पे रोज़ का प्लान तो फेल हो चुका होता है जिससे कि यहाँ पे उसी की इंसल्ट हो जाती है और वहाँ से अपने साथ मिस्टर लू लेके चले जाते हैं सी को। घर वापस आने के बाद मिस्टर लू सी से कहने लगते हैं कि मेरे डैड तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे बट हमें एक काम करना होगा। सी कहती है क्या, तो मिस्टर लू यहाँ पे उसके साथ रोमांटिक होने लगते हैं और कहते हैं कि जल्दी हमें उन्हें ग्रैंडसन दे देना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं लेकिन एकदम से सी उन्हें किक मार देती है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम अपने ही हस्बैंड को मारना चाहती हो ऐसा करके। सी कहती है आई एम सॉरी ये सब कुछ गलती से हो गया, मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है ना, चलिए मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। लेकिन मिस्टर लू कहते हैं रहने दो, लेकिन फिर भी सी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लू और सी आते हैं तो यहाँ पे जो मिस्टर लू के डैड होते हैं वो उन पे गुस्सा करने लगते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि क्या हुआ है डैड जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ पे उसके डैड उसे एक न्यूज़ दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों मिलकर हमारी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब कर रहे हो। तो मिस्टर लू कहता है कि इस चीज़ में सी की कोई गलती नहीं है, बेकार की किसी ने इस न्यूज़ को प्रिंट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर लू के डैड हर चीज़ का ब्लेम सी पर ही डाल रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसे हमारी फैमिली से निकाल देना चाहिए, ये हमारी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन को ख़राब करवा रही है। तो ये सुन के सी उनसे कहने लगती है अजीब बात है अंकल, जब आपका बेटा बेड पे बेहोश पड़ा था तो उस समय आप चाहते थे कि मैं इसके साथ रहूं और जब ये बिल्कुल ठीक हो गया तो आप कह रहे हैं कि मेरी वजह से आपकी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो रही है।
लेकिन यहाँ पर मिस्टर लू के फादर चिल्लाने लगते हैं सी पर और कहते हैं कि तुम छुपे रहो। यहाँ पे मिंग भी कहने लगता है कि ब्रदर ये लड़की कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, लेकिन कहता है लू कि मैं अपनी वाइफ को बोलने का अधिकार देता हूँ, वो कुछ गलत नहीं कह रही है। मिंग कहता है कि आप कैसे इसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्या आप भूल गए हैं जब आप बीमार थे तो फादर ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया है। तब यहाँ पे कहने लगती है उससे सी कि तुम तो चुप ही करो क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे ब्रदर की ये कंडीशन हुई थी। ये बात सुन के मिंग थोड़ा घबराता है लेकिन कहने लगता है चिल्ला कर कि सी तुम मुझ पर ऐसा बेकार का इल्जाम नहीं लगा सकती हो, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे कहने लगती है सी कि सब कुछ तुमने ही किया है और मेरे पास इस चीज़ के प्रूफ भी है, तुम चाहो तो मैं दिखा सकती हूँ। यहाँ पे मिंग कहने लगता है कि ब्रदर देखिए ये क्या बकवास कर रही है, मैं आपका भाई हूँ तो मैं आपको हर्ट कैसे कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे उससे कहने लगता है लू माना कि तुम मेरे भाई हो, तुमने मुझे हर्ट नहीं किया है, पर क्योंकि जिस समय मैं बीमार था उस समय तुमने कंपनी के काफ़ी सारे सेल्स को अपने नाम करवा लिया है। मिंग मिंग ये बात सुन के चुपसा हो जाता है लेकिन यहाँ पे मिंग के फादर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन सी कहते हैं कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, अगर आपको मिंग पे भरोसा है तो मैं अभी के अभी इसकी सारी कंपनी के शेयर्स को काफ़ी लो प्राइस में करवा देती हूँ जिससे कि आपको पता ही चल जाएगा। ये बात सुन के मिंग सी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। सी कहते हैं कि 5 मिनट रुको, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे सोच रहा होता है लू क्या ये सब कुछ कर पाएगी सी। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताने लगता है कि उनकी कंपनी के शेयर्स के प्राइस काफ़ी लो हो गए हैं। यहाँ पे जैसे ही देखता है मिंग की उसकी कंपनी के प्राइस काफ़ी लो हो रहे हैं तो वो घबरा सा जाता है। यहाँ पे उसके फादर को भी बहुत टेंशन हो जाती है तो वो लोग कहने लगते हैं सी से कि ये सब कुछ रुकवाओ वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। कहती है उनसे सी ठीक है मैं रुकवा दूंगी लेकिन आप लोगों ने मेरी काफ़ी इंसल्ट की है तो आप लोगों को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ पे लू के फादर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमें मारना ही चाहती हो, मेरी तबीयत खराब हो रही है और तुम चाह रही हो कि हम तुमसे माफ़ी मांगे। सी कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आपका छोटा बेटा मुझसे माफ़ी मांगे क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। तो यहाँ पे लू के फादर कहने लगते हैं मिंग से कि तुम इससे माफ़ी मांग लो, लेकिन मिंग माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होता है। तभी यहाँ पे उनसे कहने लगती है सी कि तुम्हें तो अपने ब्रदर से भी माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि इतने दिनों से वो तुम्हारी वजह से ही बीमार थे। ये बात सुन के लू के फादर कहते हैं कि तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तो उन्हें बताने लगती है सी ऑफकोर्स इन्हें एक पॉइजन दिया जा रहा था जिस वजह से ये इतने टाइम से बेड पे थे और ये सब कुछ आपके छोटे बेटे मिंग ने ही किया है। तो यहाँ पे उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं उसके ऊपर ही और कहते हैं कि तुम मेरी फैमिली को ख़राब करना चाह रही हो, इस घर से निकल जाओ। और ऐसा कहते हुए ही उन्हें तुरंत यहाँ पे हार्ट अटैक पड़ने लगता है जिस वजह से उन्हें डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर यहाँ पे उनकी कंडीशन को काफ़ी ख़राब बताते हैं और उन्हें ट्रीट करने लगते हैं, लेकिन ये सब कुछ देखकर सी डॉक्टर से कहते हैं कि तुम इन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, अगर ऐसे ट्रीट करोगे तो इनकी तबीयत ही ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि तुम होती कौन हो ये सब कुछ कहने वाली, मैं डॉक्टर हूँ। मिंग यहाँ पे डॉक्टर से कहता है कि इस लड़की की बातें ना सुने, प्लीज़ आप मेरे डैड को ठीक करें। लेकिन जैसे ही डॉक्टर यहाँ पे उसे ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे उनके फादर की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब होने लगती है। ये सब कुछ देखकर डॉक्टर रुक जाता है और कहने लगता है सी से कि आप ही इन्हें ट्रीट कीजिए, शायद आपको इस बारे में ज़्यादा ही नॉलेज है। सी कहती है ठीक है मैं ट्रीट करूँगी लेकिन पहले मिंग से कहो कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, वो भी अपने नीज पे बैठ के। मिंग यहाँ पे मना करता है तो यहाँ पे कहने लगता है लू अगर तुम डैड की जान बचाना चाहते हो तो इसकी बात मान लो। तो यहाँ पे बेचारा मजबूर हो जाता है मिंग और नीस पे बैठ के वो माफ़ी मांगने लगता है सी से। तो यहाँ पे सी उसके डैड का ट्रीटमेंट करने लगती है जिसके थोड़ी देर बाद ही उन्हें होश आ जाता है, लेकिन होश आने के बाद भी वो यहाँ पे सी को थैंक्स नहीं कहते हैं बल्कि उन दोनों को रूम से जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे मिंग काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि उसने आज उस लड़की से माफ़ी मांगी और वो डिसाइड करता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। रात के समय में दिखाया जाता है किचन में सी को, तभी पीछे से उसे आके कोई हक करता है तो एकदम से डर जाती है सी, लेकिन वो उसका हस्बैंड मिस्टर लू ही होता है। सी कहने लगती है आपने तो मुझे डरा ही दिया, कहने लगता है उससे लू कि मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा था। अब वो यहाँ पे उसे उठाकर बेडरूम में ले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिंग को जो कि मिलने के लिए जाता है इनसे और कहता है कि मैं जानता हूँ कि लास्ट टाइम उस सब चीज़ों में तुम्हारी सिस्टर ने ही तुम्हें फंसाया है, तो क्या तुम उससे रिवेंज लेना चाहोगी। इन यहाँ पे उसे तुरंत हाँ कह देती है। तो यहाँ पे मिंग उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पे वो भेज देता है इनको मिलने के लिए रोज़ के पास। रोज़ यहाँ पे काफ़ी गुस्से में होती है क्योंकि उससे मैरिज करने से मना कर दिया होता है मिस्टर लू ने। तो यहाँ पे इन उसे कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपको मिस्टर लू मिल जाएगा। तो रोज़ यहाँ पे तुरंत ही उसके आइडिया के लिए हाँ कह देती है। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर लू को उसके रूम में सोते हुए, तभी वहाँ पे कोई अजीब सा धुआं कर देता है जिसके बाद मिस्टर लू थोड़ी बेहोशी की हालत में चले जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर उनके बेड पर आके लेट जाती है रोज़। लेकिन जब उनके रूम में एंट्री लेती है उनकी वाइफ सी और ये सब कुछ देखती है तो चिल्लाने लगती है गुस्से में और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है।
यहाँ पे कहता है मिस्टर लू कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे रूम में कैसे आई है सी, लेकिन सी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। सी को देखते हैं रास्ते में जाते हुए, लेकिन तभी वहाँ पे एक कार आके रुकती है जिसमें से काफी सारे गुंडे निकलते हैं और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। उन्होंने उसे चेयर से बांध के रखा होता है। सी पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा है। वो लोग कहते हैं कि इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हम जल्दी तुम्हें मार के तुम्हारी जान ले लेंगे तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर वो लोग यहाँ पे उसे मारने से पहले उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाता है उसे बचाने के लिए। वो लोग यहाँ पे उनसे फाइट करते हैं। इसी बीच यहाँ पे घायल भी हो जाती है सी और उसकी नेक में एक कट लग जाता है, तो मिस्टर लू उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सी कहने लगती है कार में, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी, शायद उन्होंने मुझे पॉइजन दिया है। ये बात सुन के उसके लिए घबराने लगता है मिस्टर लू और यहाँ पे उसकी नेक को सक करने लगता है, जिस वजह से सी तो बच जाती है। लेकिन मिस्टर लू हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो उनके पास ही बैठी रहती है सी। यहाँ पे वो सी से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। उन्हें देखकर ठीक खुश हो जाती है यहाँ पे सी भी और कहते हैं कि मैं अभी आपके बारे में डॉक्टर से बात करके आती हूँ। वो बाहर चली जाती है डॉक्टर से बात करने के लिए। यहाँ पे डॉक्टर कह रहा होता है कि आपके हस्बैंड ने वही फिर से पॉइजन लिया था जो उन्हें लास्ट टाइम दिया गया था, बट उनकी बॉडी में अपने आप एंटीडोज बन गया इसलिए वो बच गए हैं। सी यहाँ पे डॉक्टर से कहने लगती है, तो फिर तो हमें अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करना चाहिए, आप उनका ब्लड निकाल लीजिए। ये सारी बातें खड़े होकर सुन लेता है वहाँ पे चोरी छुपे मिस्टर लू भी। अब वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार सी उनके ब्लड के साथ क्या करना चाहती है। जब सी उनके रूम में आती है तो मिस्टर लू उससे थोड़े उखड़े उखड़े रहते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे रेस्ट करना है तो तुम भी घर चले जाओ, तो सी घर चली जाती है। मिस्टर लू सोचने लगते हैं कि आखिरकार सी क्या कर रही है जो उसे मेरे ब्लड की ज़रूरत है और वो किस इरादे से मेरी फैमिली में आई है। यहाँ पे उन्हें सी पर शक होने लगता है। इन और मिंग को एक साथ दिखाया जाता है जो कि रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके गुंडों के हाथों से बच गई है फिर से सी, जिस वजह से वो दोनों ही यहाँ पे थोड़े अपसेट नजर आते हैं। मिस्टर लू को देखते हैं जो कि सी के पास जाकर उससे कहने लगते हैं, आजकल तुम काफ़ी बिजी रहती हो और रोजाना हॉस्पिटल क्यों जाती हो, क्या मैं जान सकता हूँ इस बारे में। तो उनसे कहने लगती है सी, एक्चुअली हॉस्पिटल में मेरी ग्रैंडमा है, मैंने आपको बताया था ना, सो मैं उन्हीं से मिलने गई थी। मिस्टर लू कहते हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो इस बारे में। सी यहाँ पे कहने लगती है कि शायद डॉक्टर से आपने मेरी बातें होते हुए सुन ली है, चलिए तो मैं आपको सब कुछ बता ही देती हूँ। वो यहाँ पे कहती है कि मैं आपके ब्लड का इस्तेमाल कर रही हूँ एंटीडोज बनाने के लिए, एक्चुअली जो पॉइजन आपको दिया गया था वही पॉइजन किसी ने मेरी ग्रैंडमदर को भी दे दिया है, सो मैं आपके ब्लड की मदद से अपनी ग्रैंडमदर को बचाना चाहती हूँ, बस यही बात है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ। ये बात सुन के उससे कहने लगता है मिस्टर लू, फिर तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं तुम्हारी ग्रैंडमदर की जान बचा पाऊँगा तो इसमें मुझे बहुत खुशी होगी, इसके अलावा तो तुम से कुछ नहीं छुपा रही हो ना। सी यहाँ पे थोड़ी सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। वो यहाँ पे मिस्टर लू से पूछती है कि क्या आपका कोई सीक्रेट है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, तो मिस्टर लू भी उससे मना कर देते हैं, लेकिन उन दोनों के मन में ही कोई बात होती है जो वो दोनों फिलहाल एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद रोज़ को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने कन्फेशन कर रही होती है, वो भी अपने अंकल के साथ। यहाँ पे अंकल मीडिया के लोगों से कहते हैं कि मेरी नई सी प्रेग्नेंट है, वो भी मिस्टर लू के बेबी से, और वो अभी से एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। इस सारी न्यूज़ के बारे में जब पता चलता है मिस्टर लू को, तो वो भी अपनी वाइफ को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो मीडिया के लोग सवाल करने लगते हैं उनसे कि आप अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हैं, क्या आप मैरिज करने वाले हैं रोज़ से, क्योंकि वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन यहाँ पर कह देता है उनसे लू कि रोज़ से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो ही सब कुछ झूठ कह रही है। तो वहाँ पे रोज़ आ जाती है और ड्रामा स्टार्ट कर देती है, कहती है सी से कि प्लीज़ तुम मुझे मेरे बच्चे के बाप को लौटा दो क्योंकि मेरा बेबी आने वाला है। लेकिन वो तभी यहाँ पे खुद ही गिर जाती है और सबके सामने ऐसा ड्रामा करती है कि जैसे उसका मिसकैरेज हो गया है, जिस वजह से सभी लोग ब्लेम करने लगते हैं लू और सी को। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि इन मिलने के लिए आती है रोज़ के पास और कहती है कि तुम्हारा ये प्लान पक्का सक्सेसफुल हो ही जाएगा क्योंकि तुमने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी, जिस वजह से लू और सी की काफ़ी बदनामी हो रही है। कहने लगती है रोज़ कहीं इस झूठे ड्रामे के बारे में किसी को पता ना चल जाए। कहती है उससे इन किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बस जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो। जब हॉस्पिटल से बाहर निकलती है इन, तो यहाँ पे मिंग उसका पहले से ही वेट करा होता है और कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि हमारा ये आइडिया सक्सेसफुल होगा। इन कहती है ऑफकोर्स इस बार हमारा ये आइडिया जरूर सफल होने वाला है, देखना मिस्टर लू को अपनी पोजिशन छोड़नी ही पड़ेगी क्योंकि सभी लोग उसकी काफ़ी इंसल्ट कर रहे हैं। तो मिंग कहता है कि इसमें मेरा ही फायदा है, उसके बाद मैं अपनी कंपनी का हेड बन पाऊंगा जो कि मेरा सपना है।
मिस्टर लू को घर पे देखते हैं जहाँ पे उनके फादर उन्हें फोर्स कर रहे होते हैं रोज से मैरिज करने के लिए। लेकिन मिस्टर लू कहते हैं, डैड अब छोड़िए इस बात को, मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो तभी कॉल पे किसी से बात करते हैं और सारी मीडिया में खबर आ जाती है कि रोज़ ने प्रेगनेंसी का झूठा ड्रामा किया था, जिस वजह से उसके अंकल उस पर हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो हमारी पूरी फैमिली को बदनाम ही कर दिया है। यहाँ पर पता चल जाता है इस बारे में इन और मिंग को भी, तो वो लोग फिर से डिस्कस करते हैं कि उनका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, अब उन्हें कुछ और बड़ी प्लानिंग करनी होगी जिसके बाद सी और लू दोनों को ही रास्ते से हटाया जा सके। आगे देखते हैं इन और रोज दोनों ही फिर से मुलाकात करते हैं और एक और नई प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो रोज होती है वो कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है अपने पास सी को। सी कहती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो, ऐसी कौन सी बात आ गई है। रोज यहाँ पे उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुमने मेरी इंसल्ट करा दी है, मेरे लवर को मुझसे छीन लिया है, अगर तुम ना होती तो वो मुझसे ही मैरिज करते। यहाँ पे कहने लगती है कि वो तुमसे कभी भी मैरिज नहीं करता क्योंकि उसने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था, चाहे मैं उसके लाइफ में होती या फिर ना होती, लेकिन वो तुम्हारा कभी ना हो पाता। ये बात सुनकर रोज को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे चाटा मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ। रोज यहाँ पे झूठ कहती है कि मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया है सी ने। वहाँ पे आके उसके कुछ फोटोज और वीडियो भी बना लेती है इन और कहती है कि तुमने तो हद ही कर दी है सी, तुम इतनी ज्यादा जेलस हो रोज से कि तुम उसे मारने की कोशिश कर रही हो। वहाँ पे मिंग भी आ जाता है और वो लोग यहाँ पे उसे इस तरीके से इस जाल में फंसा लेते हैं। रोज के सीढ़ियों के गिरने की खबर पहुंच जाती है उसके अंकल के पास तक भी, तो यहाँ पे वो भी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब लू फैमिली से इस बारे में बात करनी ही होगी। सो वो रोज़ और अपने बेटे को लेकर पहुंच जाते हैं लू फैमिली से मिलने के लिए और यहाँ पे वो कहने लगते हैं मिस्टर लू से कि आपके बेटे की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो आपको अपने बेटे की शादी अब करवानी होगी रोज़ से, क्योंकि रोज़ का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन तभी वहाँ पे सी के साथ आ जाता है मिस्टर लू और कहने लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, इस सब चीज़ में मेरी वाइफ का कोई हाथ नहीं है, तो मैं इससे कोई मैरिज नहीं करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे मिस्टर लू के फादर उसे फोर्स करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी और हाँ, तुम इस लड़की को छोड़ दो, इसकी वजह से हमारी फैमिली बहुत कुछ झेल चुकी है। यहाँ पे कहने लगता है मिस्टर लू कि आप मेरी वाइफ से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं डैड, और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और इससे तो मैं मैरिज बिल्कुल नहीं करूँगा, ये एक धोखेबाज लड़की है। यहाँ पे काफी ज्यादा माहौल खराब होने लगता है तो जो रोज के अंकल होते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं, कहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, आपके साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे जो लू का ब्रदर और फादर होता है वो उसे फोर्स करने लगता है, साथ में लू के फादर तो गुस्से में गार्ड से कहते हैं कि इस सी नाम की लड़की को घर से उठा के बाहर फेंक दो। तभी यहाँ पे गार्ड उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो होता है मिस्टर लू वो बचा लेता है सी को। लेकिन यहाँ पे जो होता है कज़न रोज़ का, वो एकदम से देखता है कि सी के कंधे पे तो एक बटरफ्लाई जैसा डिज़ाइन बना हुआ है और ये देखते ही उसे बचपन की बात याद आती है कि बचपन में उसकी गलती की वजह से उसकी बहन के शोल्डर में चोट लग गई थी और कुछ ऐसा ही निशान बन गया था। तो यहाँ पे वो एकदम से सी को देखता है और कहने लगता है कि शायद ये मेरी सिस्टर है, आप लोग इसे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। ये बात सुन के सभी यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो पर्सन जिसका नाम चेंग होता है वो अपने डैड से कहने लगता है, डैड ये मेरी सिस्टर है, देखिए इसके शोल्डर पे वही निशान है जैसा कि बचपन में था। यहाँ पे सभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार सी उनकी डॉटर कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे जो होते हैं रोज के अंकल वो भी है बात मानने लगते हैं और कहते हैं कि सच में ये मेरी डॉटर है। उसके बाद यहाँ पे वो लोग रोज को तो साइड हटा देते हैं और उसे अब्रॉड भेजने की तैयारी करते हैं। फिर यहाँ पे उन सभी को हम बातें करते हुए देखते हैं जहाँ पे कहने लगती है सी कि आप कैसे श्योर है कि मैं आपकी सिस्टर हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे रहती भी नहीं थी, मैं तो एक विलेज में रही हूँ वो भी अपनी ग्रैंड मदर के साथ। तो यहाँ पे उसे चैंग कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है, मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूँ, बचपन में तुम किडनैप हो गई थी, तभी से हम लोगों ने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, बट फाइनली किस्मत में आज था मेरा तुमसे मिलना, तो आज तुम हमें मिली गई। यहाँ पे सोचने लगता है मिंग ये सब कुछ सुन के कि अब मैं किस तरीके से अपने ब्रदर को इस पोजिशन से हटाऊंगा, उनकी वाइफ तो खुद इतने पावरफुल फैमिली की डॉटर निकली, अब मेरे लिए मुश्किल हो सकता है अपनी फैमिली का हेड बनना, पर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यहाँ पे कहने लगता है चैंग कि मैं अपनी सिस्टर को अपने घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन उसे ऐसा करने से रोकता है यहाँ पे मिस्टर लू और कहता है कि ये मेरी वाइफ है तो आप इसे नहीं ले जा सकते हैं। चैंग यहाँ पे कहने लगता है कि मैं ऐसी फैमिली में अपनी सिस्टर को नहीं रखने वाला हूँ जो कि उसका ध्यान ना रखे और वहाँ पे उसकी फैमिली उसे ऐसे ट्रीट करे। तभी मिस्टर लू के फादर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमें नहीं पता था कि ये आपकी सिस्टर है। लेकिन यहाँ पे चैंग अपने साथ चलने के लिए कहता है सी से, लेकिन सी को रोकने लगता है मिस्टर लू, लेकिन सी भी कह देती है कि मैं भी अपने ब्रदर के साथ उनके घर जाना चाहती हूँ। अब वो यहाँ पे चली जाती है अपने ब्रदर के साथ, लेकिन अपने घर जाने के बाद वो चैंग को मनाने लगती है कि ब्रदर मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ,
आप तो जानते हैं ना कि मेरी मैरिज हो चुकी है। तो यहाँ पे चैंग कहता है कि क्या तुम सच में उस मिस्टर लू से प्यार करती हो जो तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता है? मैंने देख लिया है कि उसके फादर तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं। मैं नहीं भेजूंगा तुम्हें वहाँ पे, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। कहने लगती है यहाँ पे उनसे सी, ब्रदर मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं मिस्टर लू को बहुत पसंद करती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। वो काफ़ी अच्छे हैं और मुझे अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे खुद आ जाता है मिस्टर लू काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर और कहने लगता है, वाकई में सी तुम अपने भाई से मेरी तारीफें कर रही हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करोगी। सी एकदम से उन्हें देखे कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो मिस्टर लू कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तभी यहाँ पे उनसे कहने लगता है चैंग की नहीं तुम मेरी सिस्टर को यहाँ से नहीं ले जा पाओगे क्योंकि मुझे तुम पर और तुम्हारी फैमिली पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। सी यहाँ पे उन्हें समझाने लगती है लेकिन मिस्टर चैंग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो मिस्टर लू कहता है ठीक है, मुझे लगता है कि आप दोनों को मुझे थोड़ा समय देना चाहिए, मैं बाद में आ जाऊँगा अपनी वाइफ को लेने के लिए, बट मैं ये जान के बहुत खुश हूँ कि मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है। और वो यहाँ पे चला जाता है उन्हें बाय कहकर। सी यहाँ पे अपने ब्रदर से कहने लगती है ब्रदर प्लीज़ आप मुझे जाने देना। यहाँ पे उसका ब्रदर कहता है कि तुम देख रही हो ना कि वो लोग तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा हर्ट नहीं होने देना चाहता हूँ। कहती है यहाँ पे अपने ब्रदर से सी, मैं उन सबको हैंडल कर सकती हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। वैसे भी मुझे पता है कि उनकी मदद की वजह से ही मेरी ग्रैंडमदर ठीक हो सकती है जिन्हें किसी ने पॉइजन दे दिया था। ये बात सुन के यहाँ पे उससे पूछने लगता है चैंग कि क्या उसके ब्लड की वजह से तुम्हारी ग्रैंडमदर ठीक होगी? यहाँ पे कहने लगती है सी, हाँ आपको कुछ पता ही नहीं है ब्रदर, एक्चुअली मिस्टर लू और मेरी ग्रैंडमदर को सेम ही पॉइजन दिया गया है। उनके ब्लड की वजह से ही मेरी ग्रैंडमदर के लिए एंटीडोज बन रहा है और वो काफ़ी अच्छे हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। तभी यहाँ पे सी के पास कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमदर को होश आ गया है, इसलिए वो अपने ब्रदर के साथ पहुँच जाती है हॉस्पिटल अपनी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए और उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। ग्रैंडमदर यहाँ पे जैसे ही देखती है मिस्टर चैंग को तो वो उन्हें पहचान लेती है और यंग मास्टर कह के पुकारती है। तो ये सुन के उनसे कहने लगती है सी, क्या आप इन्हें जानती है? ग्रैंडमदर कहती है ऑफ कोर्स ये तुम्हारे ब्रदर है। वो यहाँ पे उन्हें बताने लगती है कि बचपन में इसे किडनैप कर लिया गया था और इसके साथ मुझे भी, क्योंकि मैं तो आपकी फैमिली की नैनी थी और उस समय से ही मैं आपका ध्यान रख रही हूँ, और जब मैंने सोचा कि मैं आपको आपकी फैमिली से मिलवा दूँ तो उसी समय किसी ने मुझे पॉइजन दे दिया। यहाँ पे ये सारी बातें जानने के बाद बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है उन दोनों को कि वो दोनों ब्रदर और सिस्टर ही है। उसके बाद देखते हैं पार्किंग लॉट में जहाँ पे इन और मिंग एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पे मिंग कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो सी है वो तो एक्चुअली चैंग फैमिली की डॉटर निकली जिस वजह से अब मुझे बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन इन कहते हैं कि मैं आपकी मदद करूँगी ताकि आप अपनी फैमिली के हेड बन सके। तो यहाँ पे उसे कहने लगता है फिर मिंग, ठीक है अगर ऐसा होता है तो मैं तुमसे मैरिज कर लूँगा और फिर तुम मेरी वाइफ बन जाओगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें कोई रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पे सी होती है वो अपने हस्बैंड से जाके एक कैफ़े में मिलती है लेकिन चोरी छुपे। ये सब कुछ देख कर उसे कहने लगता है मिस्टर लू कि तुम मुझसे ऐसे मिलने क्यों आई हो, हम लोग लीगल हस्बैंड और वाइफ है। सी कहते कि तुम्हें पता नहीं है कुछ लोगों ने हम पे नज़र रखी होगी। अब वो यहाँ पे मिंग और इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है मिस्टर लू को और कहते हैं कि वो लोग सिर्फ तुम्हारा बिजनेस हड़पना चाहते हैं तुमसे, इसलिए बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, तो हमें भी अब कुछ प्लान करना होगा ताकि हम उन्हें बर्बाद कर सके। यहाँ पे वो एक आइडिया बना लेते हैं उन्हें बर्बाद करने के लिए, इसलिए यहाँ पे जो सी होती है जाके अपने ब्रदर से बात करती है और कहने लगती है ब्रदर आपने जो मिंग के साथ बिजनेस डील की है प्लीज़ आप उसे कैंसिल कर दे। पहले तो यहाँ पे रीज़न पूछता है उससे उसका ब्रदर, लेकिन कहने लगती है सी आप मेरे लिए ऐसा नहीं करेंगे क्या? प्लीज़ आप ऐसा कीजिए ना, इससे मुझे बहुत फ़ायदा और मेरे हस्बैंड को भी, और साथ में मिंग की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे तुरंत ही उसका भाई मान जाता है और ये सब कुछ कर देता है जिस वजह से काफ़ी दिमाग खराब नजर आता है मिंग का कि उसके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं चैंग फैमिली ने, अब क्या होगा। तो यहाँ पे उसके फादर भी उसी पे गुस्सा कर रहे होते हैं। मिस्टर लू यहाँ पे कहने लगता है अपनी वाइफ से फ़ोन पे कि हमारा आइडिया काम कर रहा है, चलो मैं अब नीचे जाके देखता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब वो नीचे जाके पूछने लगता है अपने डैड से और ब्रदर से कि आप लोग इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे उसके डैड गुस्से में उससे कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ हमारे लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रही है, उसने अपने ब्रदर से पता नहीं क्या कहा है कि उन्होंने हमारे साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। ये बात सुन के कहने लगता है उनसे मिस्टर लू चिंता मत कीजिए डैड, मेरे पास एक नया डीलर है जो हमें नए कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकता है। यहाँ पे उसके डैड पूछते हैं कि तुम कौन से डीलर की बात कर रहे हो? तो उनसे कहता है मिस्टर लू शैडो ग्रुप, वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है, अगर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। ये बात सुन के मिस्टर लू के फादर काफ़ी खुश होने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे मिंग को बुरा लगता है और मिंग डिसाइड करता है कि वो अपने ब्रदर से भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगा ताकि उसे उनकी कंपनी का हेड बनाया जाए।
उसके बाद देखते हैं मिस्टर लू को सी के साथ, जहाँ पे वो सी से कह रहे होते हैं कि तुमने कह तो दिया है कि शैडो ग्रुप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा, पर तुम्हें क्या लगता है? सी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन करेंगे क्योंकि उनसे मेरे कनेक्शन है। ये बात सुन के एकदम से उसे किस कर लेता है मिस्टर लू। सी कहते हैं कि ये तो गलत बात है, आपने बिना बताए मुझे किस कर लिया। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे सी भी उनके साथ रोमांटिक होने लगती है, लेकिन तभी उन दोनों के फ़ोन पर एक साथ ही कॉल आ जाती है, जिस वजह से वो अपने फ़ोन को रिसीव करने लगते हैं और उसी में बिजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली जो शैडो ग्रुप है उसकी हेड खुद होती है सी, और वो तो अपने असिस्टेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बातें कर रही होती है उसके साथ। अब वो यहाँ पे खुद अपने मैनेजर से कह रही होती है कि तुम्हें मिस्टर लू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद उनका कोई पीछा कर रहा है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। मिंग को देखते हैं जो कि एक डीजे ग्रुप को कॉन्टैक्ट करता है और उनसे मीटिंग करने की बात कर रहा होता है। दिखाया जाता है कि इसी रिगार्डिंग कॉल जाती है मिस्टर लू के साथ, और मिस्टर लू यहाँ पे मास्क लगा कर जाते हैं मिंग से मिलने के लिए, और डीजे ग्रुप के हेड बनके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट की डील साइन करने की बात कहते हैं, जिससे कि मिंग काफ़ी खुश नजर आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है घर पे, जहाँ पे जो मिस्टर लू होते हैं वो अपने फादर को दिखा रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो कि उन्होंने शैडो ग्रुप के साथ साइन किया होता है। यहाँ पे उसके फादर इस चीज़ को लेके बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था इस डील की वजह से। लेकिन यहाँ पे तभी मिंग सवाल करने लगता है अपने ब्रदर्स से कि आप शैडो ग्रुप से मिले कैसे, मैंने सुना है कि वो तो किसी से मिलते भी नहीं है। तो यहाँ पे तभी अपनी वाइफ की तरफ देख के सोचने लगता है मिस्टर लू, सच में मेरी वाइफ कमाल है जो उसने मेरी ये मीटिंग सेट करवा दी और मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। लेकिन तभी वहाँ पे इन आ जाती है और ड्रामा क्रिएट करती है, कहते हैं कि मिस्टर लू आपको तो पता भी नहीं है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला है, इसके पीछे आपकी वाइफ का हाथ है। और वो यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाने लगती है शैडो ग्रुप के मैनेजर के साथ सी का, और कहते हैं कि शायद आपकी वाइफ ने के साथ नाइट स्पेंड की है जिस वजह से आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे मिस्टर लू के फादर गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या है, क्या ये सच है? यहाँ पे मिस्टर लू कहता है कि नहीं डैड, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी वाइफ कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी, इससे पहले कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही इंसल्ट कर पाते। लेकिन तभी वहाँ पे वो मैनेजर आ जाता है शैडो ग्रुप का और कहने लगता है सी से, मुझे आने में देर हो गई इसलिए बॉस मुझे माफ़ कीजिए। ये बात सुन के सभी हैरान हो जाते हैं कि वो सी को बॉस क्यों कह रहा है। यहाँ पे जो इन होती है वो फिर से वही झूठे इल्ज़ाम लगाने लगती है सी के कैरेक्टर को लेकर। तो यहाँ पे वो शैडो ग्रुप का मैनेजर ही उसे चुप करा देता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किस बारे में बात कर रही हो, हमारी ग्रुप की बॉस यही है। ये बात सुन के सभी हैरान होते हैं और यहाँ पे मिंग और इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ पे कहने लगती है फिर उनसे सी, ऑफ कोर्स मैं ही उस ग्रुप की हेड हूँ। यहाँ पे मिस्टर लू के फादर कहने लगते हैं कि सी तुम्हें हमें इस बारे में पहले बताना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं बताया कुछ भी? लेकिन सी यहाँ पे उन्हें कोई जवाब नहीं देती है। तभी यहाँ पे शैडो ग्रुप का मैनेजर कहने लगता है कि अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग आपके साथ कोई भी कॉपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी फैमिली में कुछ ऐसे मेम्बर्स हैं जो शायद हमारी कंपनी की रेपुटेशन को भी ख़राब कर सकते हैं। वो ये इशारा कर रहे होते हैं मिंग की तरफ। तो यहाँ पे मिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि डैड हमें इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो ग्रुप है वो हमें इनसे भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार है। अब वो यहाँ पे तभी कॉल मिलाता है और डीजे ग्रुप से बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है कि हम लोग आपके साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। ये बात सुन के यहाँ पे मिंग के होश उठ जाते हैं कि उसका तो प्लान फिर से फेल हो गया। यहाँ पर जो होता है मिंग का फादर वो कहने लगता है शैडो ग्रुप के मैनेजर से कि प्लीज़ आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिए, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो यहाँ पे वो मैनेजर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी का हेड बना रहे मिस्टर लू, तभी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा। तो यहाँ पे तुरंत उसके डैड हाँ कह देते हैं। इस बात से यहाँ पे मिंग काफ़ी नाराज हो जाता है, लेकिन सी और मिस्टर लू काफ़ी खुश नज़र आते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कंपनी में मिस्टर लू को वर्क करते हुए, यहाँ पे उनका असिस्टेंट उनके ब्लड से बनी हुई एंटीडोज उन्हें देने लगता है, कहता है कि हमें फाइनली पता चल गया है कि आपके ब्रदर ने ही आपको वो पॉइजन दिया था, तो आपको ये मेडिसिन अपने पास रखनी चाहिए। मिस्टर लू यहाँ पे इस बात से काफ़ी परेशान रहते हैं, लेकिन तभी उनके पास कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि किडनैप कर लिया गया है सी के ब्रदर को, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो तभी उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि आपकी वाइफ ऑलरेडी उस जगह पे पहुंच चुकी है। तो ये बात सुन के मिस्टर लू और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली चैंग को किडनैप करने वाला मिंगी होता है, अब वहाँ पे उसे बचाने के लिए पहुंच भी जाती है सी और कहते कि मेरे ब्रदर को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन यहाँ पे कहाँ उसकी बात मानता है मिंग और कहता है अगर तुम कुछ भी करोगी तो मैं तुरंत तुम्हारे ब्रदर को मार दूंगा, इसलिए तुम सरेंडर कर दो। यहाँ पे अपनी नीस पे बैठ जाती है बेचारी सी
और कहती है ठीक है मेरे ब्रदर को जाने दो। लेकिन मिंग ऐसा कुछ भी नहीं करता है, बल्कि वो तो यहाँ पे उसे डबल क्रॉस करने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा और साथ में थोड़ी देर में तुम्हें बचाने के लिए मेरा बिग ब्रदर आएगा और उसे भी मार दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पे हट कर पाता सीको, वहाँ पे आ जाता है मिस्टर लू अपने असिस्टेंट के साथ और कुछ वहाँ पे गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि मिंग और उसके गुंडों से फाइट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे मिंग बच के भागने लगता है, तो यहाँ पे जो असिस्टेंट होता है वो मिंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने एक और पर्सन आ जाता है, तो वो सोचता है कि शायद ये भी मिंग का ही कोई गार्ड होगा, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। वो पर्सन कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैं मिंग का आदमी नहीं हूँ बल्कि मैं तो शैडो ग्रुप का गार्ड हूँ। ये बात सुन के यहाँ पे वो असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है बॉस देखिए ये कह रहा है कि ये शैडो ग्रुप का गार्ड है। तो यहाँ पे कहने लगती है उससे सी, हाँ ये सच कह रहा है, ये मेरा ही असिस्टेंट है, अपने असिस्टेंट से कहो कि वो मेरे असिस्टेंट को छोड़ दे। यहाँ पर जो होता है शैडो ग्रुप का गार्ड, वो कहने लगता है उस असिस्टेंट से कि तुम कौन से ग्रुप से हो। तो यहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि एक्चुअली मैं जी डी ग्रुप का असिस्टेंट हूँ। ये बात सुन के यहाँ पे सी हैरान होती है और कहने लगती है मिस्टर लू ये तो आपका असिस्टेंट है ना, तो ये अपने आप को जी डी ग्रुप का असिस्टेंट क्यों कह रहा है। मिस्टर लू कहते हैं एक्चुअली वो ग्रुप भी मेरा ही ग्रुप है और इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। थोड़ा यहाँ पे सी उससे नाराज होती है कि आपने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई। तो मिस्टर लू कहते हैं आई एम सॉरी मुझे टाइम नहीं मिला, बट प्लीज़ इस बात से तुम मुझसे नाराज मत हो क्योंकि तुमने भी तो मुझे अपना सीक्रेट नहीं बताया था कि तुम शैडो ग्रुप की हेड हो। तो यहाँ पे उसे कहने लगती है सी मुझे लगा था कि आप ये बात जान के खुश नहीं होंगे, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी वाइफ इतनी पावरफुल है और इतनी स्ट्रांग। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में इस चीज़ को लेके सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाती है। उसके बाद देखते हैं सी को घर पे, यहाँ पे दौड़ते हुए उसका असिस्टेंट आता है और कहता है मैडम आपके ब्रदर और आपके हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो रहा है। तो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है सी और कहने लगती है ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो दोनों उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा, बताओ तुम किसे चूज़ करोगी। सी सी यहाँ पे उन दोनों से ही अपने हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं आप दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं किसी एक को कैसे चूज करूंगी। तो ये बात सुन के यहाँ पे वो दोनों ही हंसने लगते हैं। कहती है उनसे सी आप दोनों हंस क्यों रहे हैं। तो उसे बताता है मिस्टर लू मैंने तो कहा ही था कि तुम हम दोनों को ही चूज करोगी, बस मैंने तो ऐसे ही तुम्हारे साथ ये प्रैंक किया था। यहाँ पे सी उनसे थोड़ा नाराज होने लगती है और कहती है कि आप दोनों कब इतने अच्छे फ्रेंड बन गए जो मेरे साथ ये मजाक करने लगे। तो यहाँ पे उसका ब्रदर चैंग कहता है कि इसने मेरी कुछ समय पहले जान बचाई थी इसलिए अब इसका दोस्त तो मुझे बनना ही था, और तुम भी तो इससे बहुत प्यार करती हो ना सी, तो मैं तुम्हारी पसंद को ना कैसे कह सकता हूँ। यहाँ पे कहने लगता है चैंग कि मैं तुम्हें अपनी सिस्टर दे रहा हूँ मिस्टर लू, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना, अगर तुमने इसे बिल्कुल भी हर्ट किया ना तो मैं इसे अपने साथ वापस ले जाऊँगा और तुम्हें भी जान से मार दूंगा। कहने लगता है मिस्टर लू कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये मेरी खुद जान बन चुकी है, तो मैं अपनी जान को कैसे हर्ट कर सकता हूँ, आप इसे बेफिक्र होकर मेरे पास छोड़ सकते हैं। मिस्टर लू के फादर को देखते हैं जो कि लू के पास आकर कहता है कि कई दिन हो गए हैं तुम्हारा भाई घर नहीं आया है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया है। यहाँ पे मिस्टर लू कहते हैं डैड आपको पहले ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए। वो यहाँ पे अपने ब्रदर की वॉइस रिकॉर्डिंग अपने डैड को सुना देता है, जिसके बाद उसके डैड को पता चल जाता है कि मिंग ने आखिरकार इस बिजनेस को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया है। मिस्टर लू के फादर ये सब कुछ सुन के बहुत सैड होते हैं और कहते हैं कि सच में वो तो मेरा बेटा कहलाने के लायक ही नहीं है, बट वो पूछते हैं कि फ़िलहाल वो कहाँ पर है। मिस्टर लू कहते हैं कि उसने काफ़ी सारी और भी गलत चीज़ें की हैं जिस वजह से उसे जेल में डाल दिया गया है, अब मैं नहीं कह सकता कि वो कब वापस आएगा। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं अच्छा ही है उसे जेल में ही रहना चाहिए। साथ में वो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स देने लगते हैं मिस्टर लू को और कहते हैं आज से हमारे बिजनेस के हेड तुम हो तो तुम ही इसे संभालोगे। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लू को सी के साथ जहाँ वो दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि फिलहाल हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है तो क्यों ना हमें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। सी कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अब हमारी फैमिली बढ़ने वाली है। ये बात सुन के मिस्टर लू काफ़ी खुश होते हैं और यहाँ पे प्यार से उसे देखने लगते हैं। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, और ऐसा कहकर यहाँ पे उसे किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस इसी के साथ यहाँ पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।